ब्लैक हैट सीपीए मार्केटिंग। इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जो आपको कंसिस्टेंटली पैसे बनाकर देगी। ये एक कंप्लीट ब्लैक हैट सीपीए ट्यूटोरियल होगा और इसमें कोई भी गुड बाय वाली बातें नहीं होंगी, लेकिन इस वीडियो के बाद आप आज से ही अर्न करना शुरू कर पाओगे, क्योंकि बहुत से लोग जिनको ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी पता है वो दिन के 100 से हजारों डॉलर अर्न कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी मेक मनी ऑनलाइन के जर्नी में एक नए स्किल को ऐड कर पाओगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा ये वीडियो ब्लैक हैट सीपीए मेथड के ऊपर होने वाली है, तो आज की वीडियो में कोई साइन अप की प्रोसेस मैं नहीं दिखाने वाला हूं। तो सीधा हम लोग अभी सीपीए लीड पे आ चुके हैं। सीपीए लीड एक सीपीए नेटवर्क है, यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल जाते हैं और सीपीए लीड पे मैं पर्सनली भी बहुत ज्यादा काम करता हूं। तो अभी मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूं। ये हम सीपीए लीड के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और अभी हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये मेरी आज की अर्निंग है, ये कल की थी और ये इस मंथ की है और ये टोटल मैंने अभी तक इतने कमाए। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, यहाँ पे बहुत सारे लाइव ऑफर्स है जो अभी अपडेट हो रहे हैं। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होंगी मुझे उम्मीद है। आज का हमारा जो ब्लैक हैट स्ट्रेटेजी होने वाला उसके अंदर हम पहले कंटेंट को लॉक करेंगे और कंटेंट को लॉक करने से भी पहले हम पहले कंटेंट लेकर के आएंगे और ये सारा कॉपी पेस्ट मेथड होने वाला है। कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो के साथ 1-to-1 कनेक्ट करते रहो, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको लास्ट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में मैं सारी चीजों को कंक्लूड करने वाला हूं। तो आप एक एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखते चलो। तो अभी हम आ चुके हैं PLR.com पे। इस वेबसाइट से हमें एक सैंपल आर्टिकल लेना है। तो सपोज मैं एक्ने चुन लेता हूं यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होती है और यहाँ पे आने के बाद मैं सपोज ये पहले वाले आर्टिकल को चूज कर लेता हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे और इस आर्टिकल को पूरा कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और उसके बाद गूगल डॉक्स पे आएंगे, एक ब्लैंक लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये हमारा आर्टिकल पेस्ट हो गया। अब हमें यहाँ से हेडिंग लेनी है, हेडिंग कॉपी करेंगे, एडजस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, इन्होंने गलत तरीके से लिखा हुआ है और ये एक्चुअली में इन्होंने यहाँ पे 10 FAQs लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में हम यहाँ पे 50 करेंगे इसको। वो मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद फिर से सीपीए लीड में आएंगे। सीपीए लीड पे आने के बाद अब हमें अपने कंटेंट को लॉक करना है, उसके लिए यहाँ पे लॉकर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइल एंड लिंक लॉकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे लैंडिंग पेज के टेम्पलेट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन सारे टेम्पलेट्स आज के हमारे वीडियो के लिए फिट नहीं बैठती है। एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि ये एक वीडियो, ये ईबुक लॉक करने के लिए बेस्ट है, ये मूवी वगैरह लॉक करने के लिए अच्छी लैंडिंग पेज है। हमारे चैनल पे भी आपको मूवी सीपीए के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप मूवी वाली सीपीए की भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, एंड स्क्रीन पे मैं आपको वो दे दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में जो सही मुझे टेम्पलेट लगती है वो ये वाली टेम्पलेट लगती है, लिंक लॉकर वाली। इस पर यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको अपने पेज को कस्टमाइज करना है और सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है पेज नेम। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी लैंडिंग पेज का नाम क्या है, ये सिर्फ आप ही को पता चलेगा और लोग इसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लैंडिंग पेजेस होते हैं तो उसको मैं जल्दी से खोज पाऊँ, एडिट कर पाऊँ, इसीलिए यहाँ पे आपको पेज नेम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लैक हैट टेस्ट। तो ये कलर स्कीम और नेवबार स्कीम हम लोग सेम रहने देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें साइट नेम, ब्रांड लिखना है या फिर आपका जो ब्रांड होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सपोज आपका नाम राहुल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द राहुल कंपनी। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, अगर आप इस वीडियो के एंड तक रुकोगे तो वहां मैं सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। आप चाहो तो अपना साइट नेम अलग भी लिख सकते हो। अब हम यहाँ लिखेंगे साइट अनलॉक हेडर टेक्स्ट। यहाँ मैंने लिखा डाउनलोड सैंपल टेम्पलेट। आप वीडियो के एंड तक रुको, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिंक अनलॉक टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा यू विल नीड टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर नॉट अ रोबोट, प्लीज गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस बिफोर प्रोसीडिंग। और बटन अनलॉक टेक्स्ट पे हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम नॉट अ रोबोट। इसको स्किप करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे जिस फाइल को आपको लॉक करना है उसकी URL लगाना है। तो उसके लिए गूगल डॉक्स पे आएंगे फिर से। ये आर्टिकल था हमारा, इस पे शेयर पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, कॉपी लिंक, सीपीए लीड पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा गूगल डॉक्स का लिंक हुआ। नीचे आएंगे, इसको अनचेक करेंगे, सेव एंड प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे ये हमारा साइट ब्रांड नेम है और डाउनलोड सैंपल टेम्पलेट ठीक है, ये हमारा लिंक अनलॉक टेक्स्ट है और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट है, ठीक है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि इस पे क्लिक करेंगे तो क्या शो कर रहा है। ये यहाँ पे अनलॉक का आ रहा है और यहाँ पे अभी आपके सामने दो ऑफर्स दिखाए जा रहे हैं। तो जब यहाँ पे वो दो ऑफर्स को कंप्लीट करेंगे तब वो जाएंगे अपने अगले स्टेप में, ठीक है। अब हमें इसको फिनिश करना है। हमारी लैंडिंग पेज सक्सेस हो चुकी है, गेट लिंक्स पे क्लिक करेंगे। तो ये आज की हमारी सीपीए लिंक है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ नोटपैड में आके इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये लिंक अभी हमें थोड़ी देर के बाद काम आएगी। उसके बाद यहाँ पे अभी हम fiverr.com पे आ जाएंगे। फाइवर का आप लोगों ने नाम तो बहुत बार ही सुना होगा, मैंने भी काफी सारे वीडियोस बना रखी है कि आप फाइवर से बिना स्किल के कैसे पैसे कमा सकते हो। आप वो वाली वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम ब्लैक हैट सीपीए मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और ब्लैक हैट सीपीए मार्केटिंग करने के लिए आप अगर आपके पास फाइवर के एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप बिल्कुल भी उसको यूज मत करना। आप एक नया फाइवर का अकाउंट बनाना और आप उसको यूज करना और कोशिश करना कि वो अकाउंट आप सारा कुछ सेटअप कर लो, क्योंकि ब्लैक हैट में मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से काम करो, ठीक है। फाइवर पे भी यहाँ पे काम करने के लिए दो सब स्टेप्स हैं, तो आप वीडियो के एंड तक रुकना, मैं दोनों स्टेप को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और यही दोनों स्टेप्स हमारी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है आज की। फाइवर पे आने के बाद आपको हायरिंग वाले ऑप्शन पे आना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा वी आर हायरिंग समवन हु इज एक्सपर्ट इन ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू स्पेनिश एंड
also corrects mistake. You have to translate 10 pages and also I will give you some samples. नीचे आएंगे यहाँ पे choose a category पे करेंगे और यहाँ पे writing and translation पे क्लिक करेंगे. Sub category पे आके यहाँ पे translation पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे ये पूछ रहा है once you place your order, when would you like your services delivered? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 days. नीचे आएंगे यहाँ पे ये पूछ रहा है हमारा बजट, हम इसको कन्वर्ट टू USD कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे $50, क्योंकि 10 पेजेस को कन्वर्ट करने के लिए $50 एक काफी अच्छा अमाउंट है. और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने अपनी जॉब रिक्वेस्ट को पोस्ट कर दी है और ये हमें कुछ रेलिवेंट लोग भी दिखा रहे हैं कि आप इनसे काम करवा सकते हो, लेकिन एक्चुअली में हमें काम तो करवाना नहीं है. जब लोग इस रिक्वेस्ट को देखेंगे तो काफी सारे लोग आपको मैसेजेस करेंगे और आपको ऑफर देंगे. अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो वो बोलेंगे कि मैं कर दूंगा. और जनरली फाइवर पे क्या होता है कि बहुत सारे नए फ्रीलांसर्स आ रहे हैं फाइवर के ऊपर और वो लोग $5 में अपनी सर्विसेज को देने के लिए तैयार होते हैं. और मैंने यहाँ पे ऑफर प्लेस कर दिया $50 का, आप चाहो तो $100-$200 कुछ भी कर सकते हो. तो हम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा ऑफर दिया है. फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मैसेजेस करेंगे कि मुझसे करवा लो, तो आपको सबसे जाकर वन ऑन वन बात करनी है. लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आप उनसे बात कैसे करोगे. लेकिन इसको समझाने से पहले मुझे गूगल डॉक्स में आपको एक और चीज दिखानी होगी. यहाँ पे फिर से हम लोग आगे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज द सैंपल आर्टिकल, रीड दिस एंड लेट मी नो यू कैन डू दिस और नॉट. और इस सैंपल आर्टिकल पे हम लोग यहाँ पे आके अपनी एक लिंक को लगाएंगे और ये लिंक वो होगा जो हम लोगों ने CPA से निकाला था और ये हमारा कंटेंट लॉक वाला लिंक होगा. इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अप्लाई करेंगे. अब आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है. आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख लेना है, जैसे मैंने वहाँ पे लिया था द राहुल कंपनी. सेव करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे. तब जब लोग आपको मैसेज करेंगे, बोलेंगे मुझे हायर कर लो, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ वगैरह वगैरह, तो सिंपली आप वहाँ पे लोगों को बोलोगे कि मैं आपको एक सैंपल आर्टिकल देता हूँ, आप पहले इसको देख लो, अगर आप ये कर पाओगे तो फिर मुझे बताओ कि आप कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि ये 10 पेजेस का है और आपको इस वाली गूगल डॉक्स से आपको वहां पे लिंक देनी होगी और वो सैंपल आर्टिकल होगा. तो वो लोग जब इस पे क्लिक करेंगे तो उनकी वो पहले कंटेंट लॉक वाला सर्वे आएगा, फिर उसके बाद ही उनकी ये सैंपल आर्टिकल खुलेगी. तो ये वो फाइवर पे काम करने का पहला तरीका. तो मुझे उम्मीद है आपको पहला स्टेप समझ में आ चुका होगा फाइवर पे कैसे काम करते हैं. तो उसके लिए एक लाइक दबा देना यार. और जो दूसरा स्टेप है काम करने का फाइवर के अंदर, वो स्टेप भी आप ध्यान से देखो यहाँ पे. उसके लिए आपको यहाँ पे फाइंड सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने लिखा इंग्लिश टू स्पेनिश ट्रांसलेटर, सर्च करेंगे. उसके बाद सेलर डिटेल्स भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलर लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स कर लेंगे, अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे लिख रहे हैं आई विल डू सर्टिफाइड स्पेनिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश टू स्पेनिश. यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कोई रेटिंग भी नहीं मिली हुई है, $5 पे काम करने के लिए तैयार है और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं. तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आके ये सारे लोगों को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, वो आपको 10 पेज ट्रांसलेट करके देंगे कि नहीं. और जब आप उनसे मैसेजेस में बात करोगे, ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा ही देता हूँ. तो सपोज मैं यहाँ पे अभी किसी एक सेलर को चुनूंगा, फिर उनसे कन्वर्सेशन करके आपको दिखाऊंगा. नीचे आते हैं तो सपोज मैं इनको चुन लेता हूँ, आई विल प्रोवाइड इंग्लिश टू स्पेनिश ट्रांसलेशन, ये दे रहे हैं. इस पे क्लिक करते हैं. इनके चार्जेस 300 वर्ड के ₹400 है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम तो एक्चुअली में करवाना नहीं है. नीचे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्टेक्ट सेलर, क्योंकि अभी हम सेलर से बात करेंगे. और यहाँ पे आपको आके लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो कैन यू ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश, इट इज 50 पेजेस ऑफ कॉन्टेंट एंड ऑल्सो आई विल गिव यू सैम्पल ऑफ फर्स्ट 10 पेजेस सो दैट यू कैन अश्योर मी दैट यू कैन डू इट और नॉट. ठीक है, आपको फिर ऐसा लिख करके सेंड कर देना है. फिर उसके बाद वो मैसेज करे कि हाँ मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. अगर वो कर सकते हैं तो आप उनको ये सैंपल वाले लैंडिंग पेज का लिंक दे देना. फिर जब वो इस पे क्लिक करेंगे सैंपल आर्टिकल पे, तो वो पहुंच जाएंगे सीधे आपके कंटेंट लॉकिंग वाले पेज पे. फिर वहां उनको ये पूरा ऑफर कंप्लीट करना होगा, उसके बाद उनको जाकर के ये वाला पेज मिलेगा. तो ये था दूसरा तरीका फाइबर पे काम करके CPA कमीशन अर्न करने का. और यहाँ पे एक और चीज, तो गूगल डॉक्स से मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि गूगल डॉक्स की जो लिंक होती है उसकी बैन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ब्लैक हैट मेथड के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक कर देना. तो अभी आपके स्क्रीन के राइट साइड में CPA की प्लेलिस्ट आ रही होगी, तो अपर लेफ्ट साइड में कंटेंट लॉकिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो. और लोअर लेफ्ट में मैंने बताया कि फाइबर के दूसरे तरीकों से आप कैसे अर्न कर सकते हो और उसमें आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं है, तो आप जाकर के इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो.